अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज 1 जुलाई थी, यानी 1 जुलाई 2022। तो इस खूबसूरत मौसम में दिन का आगाज़ करते हुए मैं निकल पड़ी हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो आज हमारा लंच था क्योंकि क्लोजिंग थी, तो देखते हैं कि कैसा दिन गुजरता है। खैर, मैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि आज थोड़ा काम काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मुझे तो थोड़ा सा उस दिन भी काम करना पड़ा था, लेकिन कोई नहीं, चलता है। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था क्योंकि सुबह टाइम बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकी तो फिर हम लोग निकल पड़े, क्योंकि ये था कि कहीं दोबारा से बारिश ना हो जाए। तो मुझे तो ये अपना रोड बहुत खूबसूरत लगता है। रास्ते में अमरूद के बागान देख के आए, कितने खूबसूरत हैं। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या बात करूँ। तो जस्ट आप लोग म्यूज़िक एंजॉय करें और साथ में देखें कि ये लोग किस तरह से मटन के ऊपर टूट पड़े हैं सभी के सभी। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you. लंच करते ही मैं तो वहीं से वापसी के लिए निकल आई थी। तो जैसे ही वापसी के लिए निकली, थोड़ा सा गर्मी का मौसम हो चुका था, लेकिन खैर ये मैं तो रिक्शा पे बैठी और जब हवा चली तो थोड़ा नॉर्मल मौसम हो चुका था। तो जैसे ही मैं वापस घर पहुंची तो हमने प्लान किया कि हम अपना डेरे के लिए निकलेंगे। तो मैंने कुछ अपनी छोटी छोटी फ्रेंड्स को साथ में लिया और हम लोग अपने डेरे के लिए निकल गए। तो क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था मुझे डेरे गए हुए, तो ये रही हमारी भैंस। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा डेरा है, हमने एक भैंस रखी हुई है। तो लेमन के पौधे लगाए हैं, अमरूद भी थे लेकिन वो जल गए हैं, अभी दोबारा से लगाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश की कि किस तरह से लोग वीडियोस बनाते हैं। तो खैर इतनी सही नहीं बनी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख जाऊंगी। ज़्यादा बातें नहीं आती हैं कि मैं ज़्यादा बातें करूं। मैं हैरान होती हूँ कि लोग कैसे जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी से ज़्यादा बातें कर लेते हैं। मैं भी बोलती बहुत हूँ, लेकिन जब मैं कुछ आवाज़ यूँ भरने लगती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो फिर मैं खामोशी से सिंपल म्यूज़िक लगा देती हूँ
और प्यारी प्यारी खूबसूरत वीडियोस बनाती हूँ। जैसे कि देखिए लेमन लेमन की मैंने कितनी प्यारी वीडियो बनाई, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ। तो इसलिए मुझे आप इसी तरह लाइक शेयर करते जाइए। मेरी नन्ही दोस्त जो है वो भैंस को चारा खिलाने की कोशिश कर रही थी, तो उसने कुछ दरख्त के पत्ते उतारे और भैंस को खिलाने लग पड़ी थी। तो लेकिन उसको डर भी बहुत लग रहा था मेरी तरह। हम नज़दीक नहीं जा रही थी, लेकिन दूर दूर से उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी। और भैंस ने भी एक बारी नहीं सोचा कि मैं ना खाऊँ, कड़वी होगी, क्योंकि ये जो दरख्त के पत्ते होते हैं ये कड़वे होते हैं। लेकिन उसने खा लिए। तो अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे और देखते हैं कि रास्ते में और क्या क्या हमें दिखने को मिलता है। रास्ते में ये चावल का खेत लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा और ट्राई करूं, क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस जब मैं देखती हूं तो मेरा बनाने को दिल करता है। तो ये मुझे सबसे अच्छा व्यू लगा था कि ये जब मैंने चावल की फसल के अंदर से मोबाइल को कैमरा स्लोमो में डाल के इसकी बनाई। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फिर कभी बनाऊँगी तो और अच्छी बनाऊँगी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी कोशिश मेरी। तो आपको कैसी लगी आपने मुझे ये ज़रूर बताना कि ये लास्ट क्लिप जो मैंने बनाई है ये आपको कैसी लगी। लेकिन जब मैं ये बना रही थी तो वो शबनम गिरी हुई थी और बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल जो था वो फुल भीग गया था। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, खैर है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो इस तरह से ये मेरा एक खूबसूरत दिन गुजरा। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ मेरे व्लॉग्स को शेयर करते रहिए, ताकि आपकी वजह से मेरी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।